तो पता नहीं ब्रह्मास्त्र के जो स्टार कास्ट हैं इनमें भक्ति अचानक से हिंदू भक्ति इतनी उमड़ उमड़ के कहाँ से आ रही है, कभी तो ऐसा नहीं देखा इन लोग को। लेकिन आप देख लीजिए इतनी भक्ति आ रही है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग। भाई अगर आपको इतनी भक्ति है तो अपने फिल्म से अपने ट्रेलर से इस सीन को क्यों नहीं काटा कि आप देख लीजिए रणबीर कपूर जो है जूता पहन के मंदिर में प्रवेश करते हैं और माता को फ्लाइंग किस देते हैं। अब फिर लोग बोलेंगे कि हिंदू कितने असहिष्णु होते हैं, भाई जूता पहन के गया है उसका कैरेक्टर वैसा है, फिल्म में ऐसे दिखाया जा रहा है। तो भाई अगर आप जूता पहन के मंदिर में जा रहे हो तो आप सबसे पहले देखो कि आप फिल्म में क्या दिखा रहे हो। आप फिल्म में दिखा रहे हो, आप फिल्म को इस नाम पे बेच रहे हो कि ये हिंदू आस्थाओं के साथ बनी है, ये जो है हमारे ग्रेट इंडियन कल्चर को दिखाने वाली है, हिंदुओं की आस्था को दिखाने वाली, हिंदू के जो नियम जो धर्म होते हैं वो उसको दिखाने वाली है। तो भाई आप देखिए हिंदू के धर्म में ऐसे होता है कि जूता पहन के मंदिर में प्रवेश कर जाओ, माता को ऐसे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, तो आप ऐसे होते हैं क्या? आप फिल्म को इस नाम से ही बना रहे हो कि इंडियन कल्चर को दिखाती है, हिंदुत्व को दिखाती है, आप भारत के गौरव को दिखाती है, तो क्या आप नहीं जानते कि भारत में पूजा पाठ कैसे किया जाता है, चप्पल उतार के कैसे मंदिर में प्रवेश किया जाता है? और वैसे भी तो आपकी भक्ति इतनी उम्र उम्र के बाहर आ ही रही है, वो अलग बात है प्रमोशन के लिए आ रही है, लेकिन क्या आपको इतना नहीं पता कि मंदिर में कैसे जूता चप्पल उतार के प्रवेश किया जाता है, कैसे आदर सम्मान से माता के सामने सिर झुकाया जाता है? चलो ठीक है, ये जो सीन है ये चल भी जाता अगर ये जवानी है दीवानी का रणबीर कपूर करता, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये ब्रह्मास्त्र का आपका रूमी सॉरी ये शिवा कर रहा है आपका ब्रह्मास्त्र मूवी का। आप इस फिल्म में इंडियन कल्चर दिखाने वाले हो, इंडिया का इतिहास दिखाने वाले हो, भारत का जो गौरव है उसको दिखाने वाले हो, तो आप ऐसे ही दिखाओगे? अब और लोग बोलेंगे कि ये छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा भड़कने की क्या जरूरत है। तो भाई सबसे पहली बात ये उदाहरण देते हैं आपको कि KGF में आप देख लीजिए यश को देख लीजिए, मतलब जो रॉकी का कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो का कैरेक्टर है, लगभग एक विलन का ही कैरेक्टर है, जहाँ वो किसी का इज्जत नहीं करता, वो किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन फिर भी उस कैरेक्टर को आप देख लीजिए, उस जो कैरेक्टर है उसको जो कि किसी के सामने नहीं झुकता, जो अपना सिर झुकाना पसंद नहीं करता, उसको भी देख लीजिए आप, उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि वो चप्पल उतार के जो है माता की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं मतलब भले ही फिल्म के कैरेक्टर में रॉकी के कैरेक्टर को कितना ही डार्क दिखाया गया हो, लेकिन अंदर में जो प्ले करने वाले यश हैं वो जानते हैं कि धर्म के सम्मान कैसे करना है और वो जानते हैं कि कैसे माता के सामने चप्पल उतार के जाना है। तो आप देख लीजिए अगर आप इतने ही भक्त हैं, रणबीर कपूर अगर इतने ही भक्त हैं, तो उन्हें खुद फिल्म के सीन में नहीं कहना चाहिए था कि भगवान के सामने अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को जूता चप्पल उतार के जाना चाहिए? तो आपने आप में ये जो धर्म की इज्जत नहीं है इनको। और एक और उदाहरण लेते हैं बॉलीवुड से ही, जब शरद केलकर जो है तानाजी दंसंग वॉरियर जो अजय देवगन की मूवी आई थी उसका प्रमोशन कर रहे थे, तब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तब शरद केलकर ने इंटरव्यूअर को रोक के बोला था कि शिवाजी महाराज नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। तो शरद केलकर आप शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी आई एम सॉरी। अब देख लीजिए जो उन्होंने खुद जो कैरेक्टर प्ले किया था उनके लिए खुद उनके दिल में वो सम्मान होनी चाहिए, तभी तो आप वो कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर पाएंगे और अपने धर्म को दिखा पाएंगे। तो ये होता है अपने धर्म के लिए सम्मान। तो यही बात है, आप देख लीजिए दिल में सम्मान होना चाहिए। जो आप देख लीजिए जो KGF में जो यश का कैरेक्टर था रॉकी का, उसमें देख लीजिए वो एकदम विलन टाइप का कैरेक्टर है, उसमें अगर वो जूता पहन के या फिर चप्पल पहन के भी जाता वहाँ तो फिर उसको उतना बुरा नहीं फील किया जाता क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वैसा है। लेकिन आप जानते हैं कि उस कैरेक्टर को प्ले करने वाले यस अपने धर्म का कितना सम्मान करते हैं, वैसे ही रणबीर कपूर का इसमें तो कैरेक्टर जो है वो हीरो का कैरेक्टर है, उसे एक अस्त्र की तरह दिखाया जाने वाला है। तो आप देखिए जो हीरो का कैरेक्टर है वही अपने धर्म का सम्मान करते हुए दिखाया जाएगा, तो क्या हम विलन से करेंगे एक्सपेक्ट उसको? लोग बोलेंगे कि ये छोटी सी तो बात है, इसमें इतना ज़्यादा उखड़ने की क्या ज़रूरत है? तो भाई ये कोई छोटी सी बात नहीं है, जो हज़ारों सालों से आई हुई चली आई हुई परंपरा है, ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये छोटी बात होती, जो लोगों की आस्था है, जो ये परंपरा है, जो रीति रिवाज है, अगर ये छोटी बात होती तो इसके लिए लोग अपने जान देने को तैयार नहीं होते। हमारे जो पुराने जो इतिहास के जो सेनानी है, स्वतंत्र सेनानी है, जो इतने वीर योद्धा है, वो अपने आप को इतना बलिदान नहीं कर देते हमारे अपने धर्म को बचाने के लिए। और लोग कहते हैं कि इस छोटी छोटी बातों पर क्या उखड़ो, आपको पता ही क्या है, आप जी किस ज़माने में रहो उसको तो देख लो। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ऐतिहासिक बात हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहो चैनल के साथ।